उत्तराखंड के साकी पंचायत से पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार सुषमा कुमारी का प्रचार वाहन एसडीओ जावेद हुसैन ने जब्त कर लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसडीएम ने कहा है कि सुषमा कुमारी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज होगा। सुषमा कुमारी पर आरोप है कि बिना अनुमति के प्रचार वाहन से उनका प्रचार हो रहा था, इसकी अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके बाद यहां पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए इस प्रचार वाहन को, और इसकी अनुमति नहीं ली गई थी, बिना अनुमति के ही प्रचार किए जा रहे थे, ऐसे में प्रशासन ने कार्रवाई की है। मास्टर का यहाँ पे निरीक्षण कर रहे थे तो हमें एक गाड़ी इमीडिएटली यहीं पे इमीडिएटली पास कर रही थी और हमने चेक किया तो उसके पास ना तो परमिशन है किसी चीज़ का, ना तो व्हीकल प्रचार प्रसार में यूज़ करने का परमिशन है, ना तो उसके पास लाउड स्पीकर और डीजे चलाने का परमिशन है। तो इसलिए हम लोगों ने इसकी अभी जाँच की है और ये हमें अवैध पाया गया है। आचार संहिता उल्लंघन के अंतर्गत जो भी धाराएं लगती है वो सारी इसको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं एसडीओ जावेद हुसैन ने वाहन को जब्त कर लिया है। आचार संहिता उल्लंघन का मामले में आरोप सामने आया है। भुरकुंडा थाना क्षेत्र का यह मामला है जहां सुषमा कुमारी का ये जो प्रचार वाहन हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये बिना अनुमति के ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा था और इसे प्रचार किया जा रहा था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। देखिए यही वो प्रचार वाहन है, बल्ला छाप सुषमा कुमारी, बिना अनुमति के ही इस प्रचार वाहन से प्रचार किया जा रहा था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की है और वाहन को भी जब्त कर लिया है और उम्मीदवार पर अब इस मामले इसको लेकर मामले भी दर्ज होंगे। तो आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। रामगढ़ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां भुरकुंडा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। सुषमा कुमारी का प्रचार वाहन बिना अनुमति के ही क्षेत्र में प्रचार कर रहा था, जिस पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है और एसडीओ जावेद हुसैन ने इस वाहन को भी जब्त कर लिया है, साथ ही मामले भी दर्ज होंगे। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है, बिना अनुमति के वाहन से प्रचार किया जा रहा था और इसकी जानकारी प्रशासन को मिली, जिसके बाद इस मामले पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल वाहन को जब्त किया गया है, आगे मामला भी दर्ज किया जा सकता है। सहयोगी महावीर का रुख करते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए महावीर, क्या कुछ ये पूरा मामला? जी, पतरातो प्रखंड के खाकी पंचायत से पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव लड़ रही सुषमा कुमारी पर आचार संहिता का मामला दर्ज होने की बात एसडीओ ने कही है। उनका चुनाव प्रचार में जो वाहन लगा हुआ था उसकी अनुमति नहीं ली गई थी और आज जब एसडीओ ने जांच किया, वहां पे जाके जांच अभियान चलाया तो देखा कि बिना अनुमति के ही वाहन से प्रचार किया जा रहा है और सुषमा कुमारी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जब उससे कागजात मांगा गया तो देखा गया कि उनके पास इस संबंध में कोई भी कागजात नहीं था और उसी गाड़ी में डीजे भी बज रहा था। ना डीजे का कागजात अनुमति ली गई थी, ना प्रचार की अनुमति ली गई थी, ना वाहन की अनुमति ली गई थी। इसी को देखते हुए वाहन को जब्त किया गया है और एसडीओ ने कहा है कि आचार संहिता उल्लंघन का इन पर मामला दर्ज किया जाएगा। जाहिर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया महावीर इन तमाम जानकारियों के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिना अनुमति। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।